प्यारे साथियों देखो, हम हैं अभी रायगढ़ में आप पहुंचे, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है रायगढ़। अच्छा, मस्त घर है और सामने का लुक देख के मैं तो हैरान हो गया। ब्रह्मपुर की जो ट्रिप लगाता ना, उसमें इसकी बहन की क्या बोलते तुम अलाउंस हो गया गाइस, ये बोला था तेलुगु में, लेकिन मेरे को समझ में आ गया। सुनना तेलुगु सुनना खुफड़ी के बाप। Press the bell icon. Subscribe now. A few moments later. So hey guys, welcome back to my new vlog. I am Palasa for Odisha. So guys, आज बन रही हमारे साथ और आज का सफर रहेगा हमारा ब्रह्मपुर टू सूरत। पूरे 900 किलोमीटर के सफर के साथ हमारी लाइट हो जाएगी ऑन। व्लॉग को बाद में बनाते हैं, पहले ट्रेन के अंदर सफर करते हैं। कोई बात नहीं। So hey guys, देखो चाय पीए मुंह धुल लिया है और अभी मैं जस्ट सो गया था। इसका मतलब अभी बजे 7 और हमारी ट्रेन अभी कंटिन्यू चल रही है। मिनिमम 60-65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी ट्रेन चलती है। वो ब्रह्मपुर यानी कि उड़ीसा के अंदर ही चल रहे हैं। देन 2 घंटे के बाद हम पहुंच जाएंगे आंध्र प्रदेश, जो कि वहां का सबसे बड़ा जंक्शन है विजयनगरम। गाइस, सुबह के 8 बज गए और हम आ गए विजयनगरम में। हमारे B6 में और B5 में नहीं था पानी, तो यहाँ पर हमने पानी की पूर्ति करवाई है, क्योंकि पैसेंजर लोग सुबह सुबह मुंह धुलने आंखें मूतने में बहुत तकलीफ आती है। तो चलो मैं स्टेशन के बाहर थोड़ा चाय पीता हूँ, नाश्ता लेता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ बाहर का कुछ लुक। यार मेरे दोस्त, विजयनगरम जंक्शन इसको जितनी बार भी देखे ना, उतनी बार कम है यार। इतना अच्छा न्यू लुक है इसके अंदर से भी और बाहर से भी। और इधर इसकी पार्किंग कितनी लंबी चौड़ी है, देखो ना बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। गाड़ी बाइक और 2-व्हीलर 4-व्हीलर रखने का सब अलग अलग स्थान है। और यहाँ का कुछ ऐसा नया लुक है जैसे कि हवेली हो, लगता है जैसे कि ये कोई है ना, वो क्या बोलते हैं जंक्शन है, होती है हवेली कोटी राजा महाराजाओं की। इतना मस्त नज़ारा है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकता, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मेरा दिल तो गार्डन होने लगता है, तो लेकिन कोई नहीं, दिल गार्डन होने से काम नहीं चलेगा, मैं बाहर जाता हूँ कुछ लेके आता हूँ। चलो बाहर का भी नज़ारा आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एक झलक वीडियो क्लिप के माध्यम से। छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर जमाने की खुशियाँ, छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ जीना छोड़ देंगे। लोग बाग देख रहे होंगे तो ये सोचेंगे वो ब्लॉग बना रहा है, लेकिन इनको क्या पता कैमरा इसकी तरफ है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है यहाँ पर यार, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि सब साला ब्रह्मपुर ओड़ी तेलुगु में लिखा हुआ है। सामने मंदिर है स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। कसमें तोड़ देंगे हम। तुझे पाकर जमाने को गाइस, यहाँ पर मैंने नाश्ता भी कर लिया है, बाहर का नज़ारा बहुत घूम लिया, क्योंकि ट्रेन 25-30 मिनट रुकती है, इसमें से मैंने 20 मिनट खर्च कर दिए। 5 मिनट बचा, मैं स्टेशन पर जाता हूँ तो गाड़ी छूट जाएगी, तो मेरे लाइफ में लोड़े लग जाएंगे। सुनना नंबर सुनना तुमड़ा। गाड़ी का अलाउंस हो गया गाइस, ये बोला था तेलुगु में, लेकिन मेरे को समझ में आ गया। सुनना तेलुगु सुनना, गाड़ी नंबर मेरे को याद था खुफड़ी के बाप। और स्टार्टिंग चले रहनांगा तो बाय बाय अब। सो है गाइस, आज का सफर हमारा काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि हम विजयनगर से निकल गई है। आपने देखा था क्या मस्त सीन था। लाइफ में अगर पैसा होना तो खूब घूमो, ऐसो आराम करो, मजे काटो, लेकिन साला यहाँ पर जिंदगी मोबाइल की किस्तों पर भरते भरते ही निकल जाती, पता ही नहीं चलता है। तो सामने का कुछ ऐसा लुक जो कि बहुत ही अच्छा पहाड़ दिख रहा है, वो सफेद सफेद दिख रहा है, वो नंगा पहाड़ है बिल्कुल एकदम। मौसम यार इतना मस्त लगता है ऐसी जगह पर, बहुत अच्छा लगता है। देखो
प्यारे साथियों देखो, हम हैं अभी रायगढ़ में आ पहुंचे, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है रायगढ़। यार छत्तीसगढ़ में कहाँ आता है, अभी आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं। देखो क्या मस्त घर है, और सामने का लुक देख के मैं तो हैरान हो गया। कितना हरियाली छा रहा है जिसकी कोई कह नहीं सकते। ऐसी जगह पर जीवन अगर है तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 100 साल क्या यार, तुम 110 और 120 साल भी जी सकते हो, क्योंकि यहाँ की शुद्ध वातावरण है, बिल्कुल गंदगी तो अशुद्ध नहीं है। देखो मकान देख रहे हो, पूरे मतलब इतना जंगलों में ही मकान है, निवास कर रहे हैं लोग। बताएं यार, इनको देख देख के मेरा मन करता है कि मैं इधर ही बस जाऊँ। सो है गाइस, जब भी मैं इधर सूरत टू ब्रह्मपुर की ट्रिप लगाता ना, उसमें इसकी बहन की क्या बोलते हैं तुमको यार, मजे आते हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा लगता है इधर इधर ट्रिप लगाएं, लेकिन हमें इधर ट्रिप 15 दिन में एक बार मौका मिलता है देखने। हमारे ट्रेन का सिग्नल हो गया, देखो जैसे कि आप देख रहे हो चलने लगी है, तो बोलते हैं इन घरों को बाय बाय, इन नज़ारों को बाय बाय, देखते हैं फिर कभी आगे मिलेगा ऐसे नज़ारा तो आपको दिखाएंगे। बने रहिए आज मेरे साथ। अभी हम विजयनगरम से निकले, करीब करीब 200 किलोमीटर का सफर अभी नहीं किया होगा, और अब जाते हैं हम रायगढ़। रायगढ़ के माध्यम से आज पहुँच जाएंगे हम जलगांव तक, इतना ही सफर हम कर पाएंगे, तो बाय बाय। हे गाइस, अभी निकल गए हम टिटलागढ़ से, और मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दिया क्योंकि सिर धोने के साथ में हम ना धोने की मगजमारी पूरी कर लेते हैं। सिर धो लिया तो सोचे नहा लिया है ना, तो अच्छा नहाते नहीं 2 दिन से उड़ी हमारा खाना गया। ये उड़ीसा का खाना है जो कि नंबर वन खाना है, इतना टेस्टी लगता है इस खाना खाने के बाद तो मैं रोटी को भूल जाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं तो खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, बाय बाय। सो है गाइस, मैं सो रहा था, इतने में नदी आ गई, मेरे को भी पता नहीं लगा अचानक निकली हुई है। ये है महानदी, और मैं किसी को वीडियो कॉल पर नदी का दर्श दिखाता तो मेरे को पता नहीं लगा इतने में नदी निकल गई यार। ये मैं रात को कम सो लेता, थोड़ा नींद आ रहा, तो रात को तो क्या सोएंगे जल्दी से, लेकिन नींद आ रहा था, मैंने सोचा सो लेता हूँ, तो नदी और निकल गया आपको दिखाता। तो चलो कोई बात नहीं, तो हम शायद रायपुर के काफ़ी नज़दीक है, 6 बजे के पास हम रायपुर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा चाय पीते हैं, सिर थोड़ा दर्द में जा रहा है। और ट्रिप में मज़ा आ गया, बोरिंग तो नहीं लगता बिल्कुल भी, और ऐसा भी नहीं लगता है कि ज़्यादा दूर है, 4 दिन 5 दिन आराम से कट जाते हैं, लेकिन मेरे को अभी नींद ज़्यादा आ रहा है, तो गुड नाइट अभी। A few moments later. तो ये गाइस, भूल गया ब्लॉग डालना, दोनों चीज़ में भूल गया आज, और सीधा मेरे रायपुर में नींद खुली है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में हूँ मैं आज, और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो आप, और प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप स्वच्छता देख रहे हो, इतनी स्वच्छता मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है। चलो मैं तुम्हें आर्मी मिलिट्री की कुछ गाइस, मैं भूल गया, खुद भूल गया, तो मैं ब्लॉग यार क्या काम सब चौपट हो गए मैं वीडियो हाँ। तो रायपुर से हमारी ट्रेन चल गई करीब 1 घंटे के बाद, और यहाँ पर तो मिलिट्री के जवान है यार, दो पूरा तक अपना सामान लेके उतरे हैं, अपना हाथ में देखो जो भी सामान है सब, राशन पानी का ये जितना भी इनके साथ में लेके चले हैं, तो आपको दिखाना चाहता हूँ। वो तो यार दिखाना क्या चाहता हूँ, वो तो निकल ही गई, बहुत पीछे रह गए यार, बहुत पीछे था उनका। तो करीब 6:30 बजे तो यहाँ से गाड़ी निकली है हमारी, और पूरी नाइट चलेगी, तो नाइट को तो हमें मतलब नहीं, सो जाएंगे, जितना ही चले उतना काम है हमारे लिए। तो ये था रायपुर, तो यहाँ से मारते हैं हम कल्टी, देखने दो यार मस्त दिख रहा है, एक नंबर स्टेशन है, कितना स्वच्छ यार, स्वच्छता के मामले में कितना है रायपुर है भाई, कितना क्लीन दिख रहा है नीचे, इसका भी फोटो ले ले इसका, ये भी क्लीन दिखेगा भोसड़ी के पास इस रात का हमारा सफर पूरा हुआ, मिनिमम अभी बजे हैं 11, और ये मेरा है बिस्तर जहाँ पर मैं सोने वाला हूँ। तो पूरा दिन हो गया ब्लॉग शूट करते करते है ना, तो अभी हम पूरी नाइट चलेंगे, तो नाइट में तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बाहर का नज़ारा मैं भी नहीं देख सकता, तो आपको भी नहीं दे सकता हूँ। मैं भी सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा 6-7 बजे के समथिंग, तो ब्लॉग को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें गोंडिया यानी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर पहुँचेंगे हम नाइट में, तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए जैसे शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये नज़ारा कैसा लगा, और ये ट्रिप आपको कैसी लग रही है। मुझे तो आनंद आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, दोनों टाइप का काम हो रहा है, लेकिन आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बड़ी खुशी होती है यार आपके ये कमेंट से, मैं मोटिवेट होता हूँ। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।